भाई नहीं मतलब क्या, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी थी या फिर रजनीकांत सर की? एक किक खाने के बाद ही बंदे ने हवा में ही 3-4 समरसॉल्ट मार लिए। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। उतना ही नहीं, ऊपर से वो बंदा बुलेरो की सवारी भी करके आ गया। हाँ, पीछे से गया और आगे से निकल आया। अब साउथ की एक्शन मूवी हो और उसके अंदर एक विलन से काम चल जाए, ना नक्को इल्ले कतई नहीं भाई। तो इस वाली मूवी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, रजनीकांत सर को मारने के लिए कई गुंडे आए, तो आगे क्या हुआ तुम खुद ही देख लो। अभी तक हम सब इसी धोखे में जी रहे थे कि इन सबके लिए ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बट अब तो लगता है कि ग्रेविटी को देख देख के टाइम को भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लग गया है। हाँ भाई, मतलब मूविंग शॉट में ही हीरो को हवा में रोक दिया जाता है कि सब चारों तरफ सही हिल रहा है, उन सबके लिए समय चल रहा है, बट हीरो के लिए समय रुक चुका है, वो बीच हवा में टंगा हुआ है। हमारे हीरो के लिए समय ग्रेविटी, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। सही पकड़े हैं। अच्छा चलो स्टूडेंट, जल्दी जल्दी अपने जूते निकाल लो, अभी हमें रजनीकांत सर जूते साफ करना सिखाएंगे। जी हाँ, देख लिया सबने। अब देखो यार, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, अब जब उनके यूनिवर्स में ग्रेविटी ही नहीं है तो उनको ग्रेविटी का क्या काम? What? लॉजिक है कोई इस बात का? नहीं। और हाँ, जूते को साफ करने के नए मेथड को बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश मत करना, मुंह के बल गिरोगे और थामने के दांत टूट जाएंगे दोनों, तो कृपया करके ट्राई ना करना। Now it's high time and I feel कि अब विलन्स को भी ना यार एजुकेटेड होना पड़ेगा, उनको चूजी होना पड़ेगा अपने फिल्म्स को लेके। यार उनको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी फिल्म में विलन की एक्टिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई अगर तुम किसी साउथ की मूवी या फिर अपने टिग्गू यानी टाइगर श्रॉफ की मूवी में विलन की एक्टिंग करने जा रहे हो तो भूल जाओ कि तुम्हारी एक भी गोली उसको छूने वाली है। और मैं मूवी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए बोल रहा हूँ, भाई तुम खुद को ही गोली मार ले। क्योंकि होने वाला तुमसे कुछ है नहीं, क्योंकि उस मूवी का हीरो हीरो नहीं अश्वत्थामा है भाई, तुम चाहे एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो तुमसे ना हो पाएगा। जैसे तुम भाई इस सीन को ही देख लो भाई, इस सीन में हीरो का सीना सीना नहीं है, 10 इंची का लोहे का बना हुआ सीना है, जिससे गोलियां भी रिबाउंड मार के विलन को ही जाके लग रही है वापस। भाई मेरा मैसेज है इन विलन्स के लिए यार, जो मूवी में सिर्फ नाम के विलन्स हैं, तुम सब विलन की बिफालतू की एक्टिंग छोड़ के ना किसी कोई जॉब ही कर लेते। अच्छा जॉब से याद आया मुझे यार, तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में पता चला है जिसपे सभी टाइप की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट्स, न्यूज, हर चीज आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे एडमिट कार्ड देख सकते हो, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी निकली है वो देख सकते हो, सिलेबस देख सकते हो डिफरेंट गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स का, आपको उस पे CBSE अपडेट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपडेट्स, बहुत कुछ मिलेगा आपको उस वेबसाइट पे। उस वेबसाइट का नाम है www.thehindienglish.in। आप सबको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके चेकआउट करो। हाँ, जितना ज्यादा वो मार नहीं रहा उससे ज्यादा तुम सीन्स में साउंड इफेक्ट डाल दो फुद्दू। अरे अरे, शौक होने की जरूरत नहीं है भाई, इधर भी ग्रेविटी को लकवा मार चुका है। सही पकड़े हैं। This is the coolest, खतरनाकेस्ट एक्शन सीन ऑफ द सेंचुरी गाइस। नहीं मैं मजाक भी नहीं कर रहा यार, मतलब सीरियसली। नहीं मतलब क्या मारा यार, कादर खान जी भी सोच रहे होंगे कि भाई मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी ये वाली फिल्म साइन करके। यार इस सीन को डायरेक्ट करने वाले बंदे ने कौन सा माल फूका था भाई। नहीं यार मुझे भी चाहिए वही। रुको, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कैंसर अभी यहीं पे खत्म हो गया है तो भाई तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है। हमारा कूल डैशिंग हीरो इतनी जल्दी थोड़ी रुकेगा। This scene was so uncalled for, यार तुम एक्टर को बीच डांस में देख सकते हो, खुद को वो संभाले जा रहा है। अगर तुम्हें भी लगता है कि लॉजिक लेस सीन और ग्रेविटी लेस सीन सिर्फ इंडियन सिनेमाज में होते हैं तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तुम्हें आगे पता चल जाएगा।
Hadi şöyle durun bakayım, şimdi katır tekmesini yiyeceksiniz. जी हाँ, फूक, सिर्फ एक फूक से दो मुस्तंडों को हमारे हीरो ने उड़ा दिया। नहीं तुम समझ सकते कितनी ताकत थी उस फूक में भाई। ऊपर से फूक मारने से पहले भाई हमारे हीरो ने क्या क्या स्टेप्स करे थे अपने पैरों के साथ, क्या क्या भाई दिमाग के बाहर है। तो एक फूक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया और लाइक भी नहीं किया अभी तक इस वीडियो को। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जबरदस्त और कमाल के एक्शन सीन्स को देखने के बाद लोग नजर डालते हैं कुछ इमोशनल डेथ सीन्स पर। तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ नहीं नहीं, चलो एक और बार सुनते हैं जरा। चुप चुप, हाँ अब ये अंकल तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा रहे हैं भाई। ये क्या, आर यू सीरियस? अबे बुढ़ाओ, तूने ही गोली मारी है उसको, क्या कर रहा है ये भाई? ये तो नेक्स्ट लेवल का क्रिंज था यार। मतलब सोचो, राइटर ने ये लिखते वक्त, ये सीन लिखते वक्त कौन सा नशा किया होगा? डायरेक्टर ने बोला होगा यार कुछ इमोशनल चाहिए हमें। राइटर ने सोचा होगा कुछ इमोशनल क्या हो सकता है, मरे हुए बंदे को लोडी सुनाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे भाई क्या क्या लेवल ऑफ क्रिंज यार, बढ़ रखा है पूरा। इन मेहंदी लगे हाथों से सावल नहीं चलते मेरी जान। ये सच कहती हूँ, चले जाओ वरना गोली चला दूंगी। तो चला दो ना गोली। जालिम, चला दी गोली? तूने सचमुच गोली चला दी? खुसर बुढ़े तब से वो फारसी चिल्लाई जा रही थी क्या? वो बोल रही है कि पास मत आना मत आना मत आना, और ये बुढ़ा डायलॉग्स पे ले जा रहा है। पांक। सही हुआ जो हुआ इसके साथ तो। गोली खाने के बाद ही बोल रहा है चला दी, मतलब चलाएगी ना भाई। एक्शन सीन से ज्यादा तो डेथ सीन सारे के सारे क्रिंजी होते जा रहे हैं भाई। अच्छा चलो, वो अपने आखिरी और सबसे इमोशनल डेथ सीन के ऊपर बढ़ते हैं यार। और ये सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल है, इसमें तुम हंसना मत, बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ, हंसना मत, ठीक है? मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कैसा लगा मेरा मजाक? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा क्या तुम सब जानते हो कि हमारे चहीते कमाल आर खान ने इस माइंड ब्लोइंग फिल्म पे अवार्ड विनिंग सीन का इंस्पिरेशन कहां से कॉपी किया? कॉपी नहीं, इंस्पिरेशन लिया। हाँ इंस्पिरेशन लिया, कॉपी नहीं किया, सॉरी। जानते हो क्या तुम सब? नहीं, नहीं मैं बता देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है भाई। जी हाँ, हमारे कमाल के आर खान ने इस पर्टिकुलर सीन से अपने इस पर्टिकुलर माइंड ब्लोइंग फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग सीन को रिक्रिएट करने का इंस्पिरेशन लिया। हाँ रिक्रिएट अच्छा लग रहा है सुनने में, कॉपी बेकार, नो कॉपी नहीं, रिक्रिएट करने का इंस्पिरेशन लिया। ओके वेल यार, अगर तुम सब अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए हो यार, तो मैं सच सच बताऊं तुम मेरी जान हो यार, आओ गले लग जाओ। अच्छा अभी नहीं हो सकता वो, कोई बाद में मिलते हैं, फैन मीटअप रखेंगे कभी जब हमारे
अपनी फैमिली बढ़ेगी, तो जल्दी फैमिली बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, ओके। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो यार, देख लो इंस्टाग्राम पे भी हमारी 1000 की फैमिली होने ही वाली है, तो जल्दी से आओ फॉलो करो, मैसेज करो, बातचीत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, पीस आउट।